सिनेरिया के ये खूबसूरत फूल इन सीड से उगते हैं। ये इनके सूखे हुए सीड पॉट्स हैं, ये खाली वो है, ये कचरा है और ये सीड्स हैं। इनमें ये जो काला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये इसके सीड्स हैं, बाकी इसमें से निकल गए। पूरा पकने पे ये ऊपर से रुई जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे रुई के फूलों को प्लांट पे से तभी तोड़ना चाहिए जब इनके नीचे की डंडी भी सूख जाए। इन सूखे हुए सीड पॉट्स को क्रश करके हम इसके अंदर से बीज निकाल सकते हैं। इसी तरह निकाले गए इन बीजों में से कुछ बीजों को मैंने अपने उसमें बोया है। ये सिनेरिया के सीडलिंग्स हैं और ये सिनेरिया के ये प्लांट्स अब इतने बड़े हो गए हैं और ये और भी बड़े हो गए हैं, इनको रिप्लांट किया जा सकता है। रिप्लांट करने के बाद फुल ग्रोथ लेने पर ये कुछ इस तरह के दिखेंगे, जिसके लिए मैं आपको दूसरे तैयार पौधे दिखाती हूँ। ये सिनेरिया की लवली फ्लावर्स है। सिनेरिया इन पॉट्स, सिनेरिया के इस प्लांट में सीड पॉट्स बन गए हैं जो अभी कच्चे हैं। जब ये पकते हैं तो ऊपर रुई रुई दिखाई देती है। इस तरह पूरी होती है सिनेरिया के सुंदर फूलों की सीड से सीड तक की जर्नी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।